18,000 मासिक वेतन महिला परिचारिकाओं को सेवा में नियमित करें, साथ ही सातवां वेतन लागू हो, ऐसी प्रमुख मांगों के साथ जिला परिषद महिला परिचर महासंघ ने सरकारी दरवाजे पर दस्तक दी और अपनी मांगों को पूरा करने के लिए अपनी आवाज ऊंची की। नागपुर शहर में हर एक दिन में यहां पे आंदोलन किया जा रहा है। राज्य सरकार को अपनी बातों से अवगत कराने के लिए दूर दराज से लोग आते हैं। इसी श्रृंखला में आज यशवंत स्टेडियम में यहां पे हम देख सकते हैं जिला परिषद महिला परिचर महासंघ के ये तमाम महिलाएं यहाँ पे आई हुई है। ये किसी प्रोग्राम में नहीं आई बल्कि अपनी भावनाओं को, अपने हक की लड़ाई के लड़ने के लिए, अपनी मांगों को पूरा करने के लिए आज इस यशवंत स्टेडियम में आई है। जी हाँ, इनका कल बहुत बड़ा आंदोलन होने वाला है। कल बहुत बड़ा इनका मोर्चा विधान भवन के ऊपर में निकलने वाला है। आइए हम सीधा रुख करना चाहेंगे। इस समय में ये तमाम महिला और पुरुष पदाधिकारी दिखाई दे रहे हैं। इनसे जानना चाहेंगे कि आखिरकार क्या आपकी प्रमुख मांग है। आप बताइए कि क्या कहना चाहोगे आप। हमारी मांगे है कि मान वेतन 21,000 मिलना चाहिए, पेंशन योजना लागू करना चाहिए और हमारे जो हक है सब सरकारी कर्मचारी के, ते हमारे हक मिलना चाहिए। इसलिए हम धरने में बैठे हैं और कल हमारा मोर्चा है। मुख्यमंत्री साहब का शपथ विधि हो गया, उनका शपथ विधि होने दूसरे दिन ही उन्होंने घोषणा की कि आंगनवाड़ी कर्मचारी और आशा कर्मचारियों को हम राज्य कर्मचारियों का दर्जा देंगे और आंगनवाड़ी सेविका 1990 से है और आशा स्वयं सेविका 2009 से है। हमारी तो पदे 1967 से, उनसे पहले हम काम करते हैं लेकिन हम की गणना उनकी उनके साथ नहीं हो रही है, इसलिए हम हमारा राज्य कर्मचारियों का दर्जा हम मांग रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये अपने हक के लिए यहाँ पे आए हुए हैं। और भी कुछ महिला पदाधिकारी है सर, बोल सर। तेज बोला की आज पर्यत आम 1967 पासून आम्ही महिला भांडत आहो। आमच्या महिला 50 रुपये महिन्यापासून काम करत करत बिचाऱ्या काही महिला वारल्या, आशेवर जीवन जगत, तर आम्ही आंदोलनातूनच आमचा पगार 3,000 रुपये वाढवला, त्याच्यानंतर आम्हाला 21,000 रुपये मंजूर शासनाने करावं, हे आमच्या सर्व महिलांची इच्छा आहे। लढणे के दो रास्ते होते, एक ज्युडिशियल होता है, एक रास्ते की लड़ाई होती है। हम दोनों रास्ते से लड़ रहे। नागपुर हाईकोर्ट ने हमें ग्रुप डी का दर्जा देने के लिए कहा है, जिसमें पेंशन मिलेगी, वेतन बढ़ोतरी होगी, न्यू रूल्स लागू होंगे, लेकिन सरकार ने उस डिसीजन को अमल में लाने के बजाय सुप्रीम कोर्ट में अपील फाइल की। ये श्रमिक वर्ग के बारे में इनका जो धोरण है, जो नीति है, वो पूरी तरह अवैज्ञानिक है और समाजद्रोही है। हम चाहते हैं कि कल के हमारे मोर्चे को, हमने जयंत पाटिल साहब की मुलाकात मांगी है। ये जब आरडीडी मिनिस्टर थे तो इन्होंने मई 2014 में हमारी एक मीटिंग ली और डायरेक्शन दिया सारे अधिकारियों को कि आप इनका मिनिमम वेज का प्रपोजल तैयार करिए। तब हम मांग रहे थे 10,000 और हमने सारा कागज सादर किया और उनको एविडेंस दिया कि हम फुल टाइम काम करते हैं, हमारे काम में जोखिम भी है। ये बताइए क्या थुल साहब, क्या अब आपकी प्रमुख मांगे क्या है। बस हम चाहते हैं कि हमको ग्रुप डी का दर्जा मिले, पेंशन मिले, सेवा में सुरक्षा मिले और हमें फुल टाइम दर्जा मिलना चाहिए, यही हमारी मांग है। तो आप थे तमाम ये जिला परिषद महिला परिचर महासंघ जिन्होंने बखूबी विभाग के साथ बात करते हुए ये कहा कि राज्य सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित वे करना चाहते। इन्होंने अपनी तमाम मांगे आज इनबीसीएन के इस चैनल के माध्यम से सरकार तक पहुंचाने की अपील की है और हम आपको भी आश्वस्त करा दें कि हमारे इनबीसीएन न्यूज के ये तमाम जो खबरें और जो युवा शीत सत्रकालीन जो अधिवेशन जो शुरू है इसकी पल पल की जानकारी ये तमाम आला अधिकारी से लेकर प्रशासकीय अधिकारी से लेकर तो मंत्रिमंडल ये तमाम लोग टीवी देखते हैं। ऐसे में यदि कोई जयंत पाटिल साहब यदि आप ये प्रोग्राम देख रहे हो तो आप इन लोगों के कामकाज है, इनकी मांगों को पूरा करें, इनके मांगों को अनदेखी मत करें, क्योंकि भूखे प्यासे ये दिन भरे से दूर दराज से आए हुए लोग अपने छोटे छोटे मासूम बच्चों को घर में छोड़ के आए हुए हैं मात्र अपने हकों के लिए, अपने हक की लड़ाई के लिए। आज ये लोग यशवंत स्टेडियम में यहाँ पे आए हुए हैं, कल इनका भव्य मोर्चा भी निकलने वाला है, मगर कब तक, आखिर कब तक इन लोगों को न्याय के लिए लड़ना पड़ेगा।
देश को आजाद हुए आज 70-75 वर्ष हो चुके, उसके बावजूद भी सही मायने में क्या देश के नागरिक आजाद हुए, ये सवाल अब भी बना हुआ है। सरकार इस ओर ध्यान दे और ये लोगों की तमाम मांगे मंजूर करे, यही लोग चाहते हैं। कैमरा पर्सन सुभाष के साथ संजय मीरे, इनबीसीएन न्यूज, नागपुर।